हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई एम शिवम राउत और इस वीडियो में मैं अपने मेरा जो पहला दिन था मेडिकल कॉलेज का वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए थैंक यू। सो मेरा जो एडमिशन हुआ था सबसे पहले MBBS में 2019 बैच में 2019 में एडमिशन हुआ था। सो 2019 में फर्स्ट राउंड में मुझे डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो मिला था। सो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल गया, वहाँ तक ठीक था। फिर मैंने किया एडमिशन। एडमिशन करने के लिए हम लोग निकले। एडमिशन करके जब वापस आए उसके और एक हफ्ते बाद कुछ सेकेंड राउंड लगा। तो सेकेंड राउंड में मेरा कुछ अपग्रेड हुआ नहीं था, तो वही कॉलेज था। फिर कॉलेज वालों ने बुला लिए थे सबको क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होना था। सो फिर मैं वहाँ पर चला गया। जाने के बाद हमको हॉस्टल रूम अलॉट हुए थे। तो वहाँ पे ऐसा था, हॉस्टल में एक रूम में चार लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ का हॉस्टल का किराया था एक रूम का 5,000 रुपये। हमने बोले भाई 5,000 रुपये ले रहे हो पर मंथ और फिर भी दो लोगों को एक रूम नहीं दे सकते सबका यही थॉट था। फिर भी ठीक है, रूम अच्छा खासा बड़ा था, स्पेशियस था, तो चल गया। और मुझे वहाँ जाके पता चला था कि अपने कॉलेज का एक यूनिफॉर्म भी होने वाला है। मैंने सुना था कि यार 10th तक यूनिफॉर्म पहने हमने 12th तक, अब या PG ये UG कॉलेज में आने के बाद भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा क्या। तो फिर भी वहाँ पता चला कि ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होते, पर एक ही ऐसी कॉलेज है जहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है उन लोगों का। सो ठीक है यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म का एक बहुत ही अजीब लगा था कि यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा करके, वो हो गया। फिर कॉलेज शुरू होने की बात आई थी, तो एक दिन हम गए, दो दिन शायद टाइम पास ही हुआ, बोले थे कल कॉलेज होगा, पर फिर वो कॉलेज शुरू नहीं हुआ। तो उस समय हमारा फाउंडेशन कोर्स हुआ करता था। फाउंडेशन कोर्स में तुमको एक महीना वेरियस एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, पूरा मतलब पढ़ाई छोड़ के सब कराया जाएगा, ठीक है। तो उसमें डेली का योगा होगा, फिर हर दिन का पूरे महीने भर का टाइम टेबल था। महीने भर तुमको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसमें कंप्यूटर की भी कुछ बातें थी। फिर वो मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या हुआ था, पर पढ़ाई को छोड़ के सब हुआ था। एंड वो जब मैं वहाँ गया तो बहुत ही बड़ा वहाँ का लेक्चर हॉल है, अच्छा खासा, दो लेक्चर हॉल है बहुत बड़े बड़े, और अभी तो बहुत ज़्यादा वो डेवलप हो गया है कॉलेज। मुझे आजकल मतलब वहाँ से आने के बाद भी ना बहुत याद आती थी वो कॉलेज की, क्योंकि वहाँ में पूरा एक महीना रहा था जब तक मेरा थर्ड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया नहीं मिल गया। एक महीना पूरा मैं वहाँ रहा, बहुत सारी मेमोरीज बन गई थी। और जैसे धीरे धीरे करके पता चल रहा था कि उस कॉलेज में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत मतलब वो कॉलेज ऐसा ना तुमको हर चीज़ पढ़ा के लेगा, मतलब पढ़ाई में वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ता। ये कोई ना पढ़ने वाला भी बंदा होता है ना, वो वहाँ जाके बिल्कुल पढ़ने लग जाता है वो, क्योंकि वो लोग पढ़वा लेते हैं तुमसे। तो जब हम वहाँ पे गए थे, फिर रात होती है और रात में वहाँ पे हॉस्टल में हमारे मतलब रैक हॉस्टल जो था वहाँ पे एक रूम में आए एक सीनियर, ठीक है। सीनियर आया, फिर सबको बुलाया गया वो सीनियर से आओ करके, मतलब सीनियर आए सेकेंड ईयर का बंदा था, तो उससे मिलने के लिए सब लोग गए थे। उसके बाद मतलब वो गर्म ही देने लगा बिल्कुल सबको कि सारे ऐसे ऐसे रूल है, ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा, सारे सीनियर्स को विश करना पड़ेगा, सीनियर सर मतलब जो लड़का है उसको सर बोलना पड़ेगा, लड़की है तो उसको मैम बोलना पड़ेगा, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि सीनियर अगर कोई लड़का है तो उसको भाऊ बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वहाँ पर वो सर बोलना पड़ता था, अभी भी वहाँ वैसा ही है। तो उन्होंने सारे रूल्स समझा दिए थे कॉलेज की कि भाई फिजियो डिपार्टमेंट से पंगा नहीं लेना, ये तुम्हारा इतना है, फिर यहाँ ग्राउंड है, ये है, सारे रूल्स तुमको फॉलो करने पड़ेंगे बोल रहे थे। वो बोलते हैं कि रैगिंग बिल्कुल नहीं होती कॉलेज में, और सच में वहाँ पर रैगिंग बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि मतलब हमारे समय तो हमारी तो नहीं हुई थी, एक महीना हम रहे फिर भी किसी ने हमारी रैगिंग लेने की कोशिश नहीं किया। लेकिन जब हमको बुलाया गया था उसी समय ना, तो हमने सोचा था कि भाई आज तो रैगिंग के लिए ही बुलाया गया है, बट पहला दिन वो ऐसा नहीं था, बस नॉर्मल था सब, उन्होंने नॉर्मली सबको बताया और स्ट्रिक्टली भी बताया थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा है। उसमें बीच में ही एक लड़का सर को पूछ लेता है कि सर आपका नाम क्या है, वो सर वहाँ पे गुस्सा हो गए थे, भाई ये ऐसे कैसे पूछ लिया तूने, क्योंकि एज अ जूनियर वी आर नॉट सपोज टू आस्क सीनियर देयर नेम। तो फिर ये बात वहाँ पर पता चलती कि हाँ तुम सीनियर से उनका नाम नहीं पूछ सकते हो, तो कैसे पता करे, तो तुम इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक, जहाँ से पता कर सकते हो करो, पर तुम डायरेक्टली उनसे मतलब उनका नाम नहीं पूछ सकते। हाँ वो तुम्हारा इंट्रो ले सकते हैं,
तो उस समय उन्होंने सबका इंट्रो लिया, इंट्रो में नाम कहाँ से हो, नीट के मार्क इत्यादि ये सब कुछ पूछ लिया उन्होंने और फिर उन्होंने हमको जाने दिया। सो उसके अगले दिन से हमारी कॉलेज शुरू हुई। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे मुझे बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस आया बोल सकूँगा कि मैं फर्स्ट से जो टेंथ तक जिस स्कूल में पढ़ा उस पूरे स्कूल में कोई मराठी नहीं बोलता था, ठीक है। सारा स्कूल पढ़ाई टीचर प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट सब हिंदी वाले थे। उसके बाद मैंने 11 12 जहाँ से किया पूरा कॉलेज हिंदी था, नॉट पढ़ाई हिंदी में नहीं थी बट पूरा कॉलेज हिंदी बोलता था। जहाँ मेरी ट्यूशन थी नीट की कोचिंग थी वो सब हिंदी वाले थे। लेकिन जब मैं उस कॉलेज में गया तो वो कॉलेज मराठवाड़ा मतलब उस साइड है ना, तो वहाँ पूरे उधर मराठी लोग आते जो जिनकी बोली भाषा मराठी है, मेरे मुँह से हिंदी निकलती थी, ठीक है। कुछ भी हो कुछ भी मेरा मतलब वो होता है ना बेसिक रिएक्शन हर किसी का जो निकलता है वो मैं हिंदी में ही बोल दिया करता था, हर चीज़ हिंदी हिंदी हिंदी। सो वो मतलब मैं बता दूँ कि 80% लोग जिससे भी मैंने बात किया 80-90% लोगों ने मुझे टोका कि भाई तू मराठी क्यों नहीं बोलता, मराठी क्यों नहीं बोलता। और स्टार्टिंग में तो मैंने सुन लिया था, पर यार ऐसा नहीं कि देखो मुझे मराठी नहीं आती, मैं बहुत अच्छी मराठी बोल लेता हूँ जब बोलने जाता हूँ। पर मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस, मेरे रिश्तेदारों में, पूरे स्कूल में जहाँ तक मैंने पढ़ा हर कोई हिंदी बोलता था। तो मेरे मतलब स्वाभाविक मेरे से मुझसे हिंदी निकलती थी। तो वो लोग वैसे ही टोक देते थे मुझे कि तू हिंदी क्यों नहीं, तू मराठी क्यों नहीं बोलता। वो एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस आया था। और फिर मैं सोचता था अरे यार क्या है, मतलब कोई कुछ भी बोले तुम ऐसा टोकते क्यों हो। पर फिर मैं धीरे धीरे एक बार समझ गया कि ये सब लोग बचपन से लेके मराठी ही सुनते आए, मराठी बोलते आए, और ये सिर्फ मराठी इंसान है, ठीक है। मैं भी मराठी हूँ पर यार ठीक है मैं गोंदिया तरफ रहता हूँ, मेरी परवरिश हिंदी में हुई है तो मैं से नहीं जमता उठता स्वाभाविकपना से मराठी बोलना। तो ये एक एक्सपीरियंस आया था। तो वो पूरा मंथ जो था हमारा बहुत चिल गया था, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड था और उन वो जो वहाँ का कॉलेज इंस्टीट्यूशन है उनका ही बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह थे, वो सब हमको मतलब घुमाने ले गए थे। फिर प्लांटेशन हुआ था और उसी बीच आ गया था गणेश फेस्टिवल। तो मैंने वो देखा ना, मतलब वहाँ पे इतना सुंदर गणपति बैठता है और इतना बहुत ज़ोरदार वहाँ डेकोरेशन उस कॉलेज में किया जाता है। तो गणेश जी हम लाने भी गए थे वहाँ से, कम मतलब 10 किलोमीटर ही दूर है। तो हम निकले थे सुबह और पहुँचे थे रात के 7-8 बजे। इतना मतलब धीरे धीरे जाना और धीरे धीरे आना हुआ था, वो बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत ज़ोरदार था, बहुत मज़ा आई थी, बहुत मतलब वहाँ पढ़ाई छोड़ के सब हो रहा था और मतलब इससे अच्छा क्या है, हर चीज़ मज़ा ही मज़ा आ रहा था हर चीज़ में। गणेश जी लाए, फिर गणेश जी को जब आगमन हुआ वहाँ पे ढोल बजा रहा था मैं और कोई लोग मतलब नाच रहे थे, बच्चे ही ढोल बजा रहे थे, ऐसा कुछ खास नहीं था। और वहाँ के गणेश जी की जो स्थापना हुई थी तो वो कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो जो डीजे था वो डीजे पूरे कैंपस भर घूम के फिर वहाँ मेन ग्राउंड है वहाँ पे गणेश जी की स्थापना होती थी वहाँ। तो पूरा हम लोगों ने पूरा डांस किया था और वो बहुत मज़ा आया था उस समय। और फिर गणेश जी की स्थापना होने के बाद हमको हमारा ऐसा था कि वहाँ पे जो होने वाला है फंक्शन होने वाला है तो उसमें जो प्रोग्राम होंगे उसके लिए डांस करना है, डांस के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं डांस टीम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो डांस टीम में पार्टिसिपेट करने के बाद ना वो हर रात को 9-12 बजे तक हमारी प्रैक्टिस होती थी। वहाँ पे एक कॉमन हॉल है तो गर्ल्स बॉयज सब लोग वहाँ पे आते थे प्रैक्टिस के लिए। वो एक मतलब ऐसा लगता था यार सोने दो क्योंकि मुझे ज़्यादा जागने की आदत नहीं रात में, मैं जल्दी सोना प्रेफर करता हूँ। उतने उस समय तो आदत नहीं थी, अभी तो हो जाता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया था और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार, बहुत मज़ा आया था पूरे प्रैक्टिस के समय में। और एंड टाइम में ऐसा हुआ था कि कुछ दिन में प्रोग्राम है और इधर मेरी 3rd राउंड की लिस्ट लग गई और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया मिल गया था। तो वो मेरा डांस की प्रैक्टिस तो धरी की धरी रह गई। हमारा जो ग्रुप था वो टीम थी डांस की, उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए थे तो फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया था जैसे तैसे। इस बीच बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हुए उस कॉलेज में, स्पोर्ट्स में मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो ये सब वहाँ पर महीने भर चल रहा था पर पूरे मज़ा में ना एक ही मुझे दुख लगता था कि यार मतलब पैसा बहुत लगेगा इस कॉलेज में, इतनी फीस है इस कॉलेज की, ठीक है गवर्नमेंट नहीं है तो इतना, फिर लोन वगैरह का ये सब टेंशन एक अलग ही चल ही रहा था साथ में। पर ठीक है उस समय वो सब भूल जाता था इंसान,
कुछ पल के लिए, और फिर थर्ड राउंड लगता है और मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया में। तो वो बहुत ही इमोशनल क्षण था, क्योंकि वहाँ पे जितने अच्छे दोस्त बन गए थे उन सबको छोड़ के आना इधर वो बहुत कठिन था, पर फिर भी एक खुशी भी थी अलग सी कि ठीक है मिल गया करके। तो फिर वहाँ पे हर किसी जो भी दोस्त बन गए थे सबसे बाय सबको बाय बोल के मैं आ गया यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। तो गोंदिया में भी पूरे महीने भर वही सब चला था जैसा उधर हुआ, और यहाँ के भी बच्चों ने बहुत मज़ा किए थे। और जब मैं आया तो कॉलेज स्टार्ट हो गया था उनका, और फिर रेगुलर कॉलेज हमने अटेंड किया। और फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे तुरंत ही हॉस्टल नहीं मिला, हॉस्टल मिलने में जो थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं घर से आना जाना करता था। मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था कॉलेज से, तो थोड़ा पास में ही था, चल जाता था, फिर भी वो उतना अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कुछ एक महीने बाद मुझे मिला हॉस्टल, और फिर मैं आके हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। तो कुछ इस तरह से मेरा बीता था मेरा पहला दिन और मेरा पहला मंथ मेरे मेडिकल कॉलेज का MBBS लाइफ का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, आपने इतना पेशेंस से अभी तक सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।